hello students today i am teaching in second standard students in chapter addition and subtraction of zero so in last video we are talking about addition and subtraction addition means to put or together joining two numbers and subtraction means in one number we are remove the another number so got it Hmm. So, look at the picture and read and learn addition of zero. Five marbles are in the jar. In this jar, there are five marbles. Are there? Isha puts zero marbles. Isha puts zero marbles. How many marbles are in the jar now? Right. Five marbles. Five plus zero equals to five. अगर हम किसी भी वैल्यूज में मतलब फाइव फोर थ्री टू वन किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो नंबर क्या बनेगा जो नंबर है वो ही रहेगा फाइव प्लस जीरो फाइव में हमने कुछ भी नहीं मिलाया जीरो मिलाया मतलब क्या हो गया कितने मार्बल से जार में राइट फाइव मार्बल सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज द नंबर इट जो नंबर है वो खुद से खुद ही वो ही रहता है समझा फाइव प्लस वन इक्वल्स टू फाइव प्लस जीरो इक्वल्स टू फाइव जीरो मार्बल्स आर इन द जार। पुट्स फाइव मार्बल्स हाउ मेनी मार्बल्स आर इन द जार नाउ? जीरो प्लस फाइव फाइव द सम ऑफ जीरो एंड एनी नंबर इज दैट इज नंबर इट सेल जीरो प्लस फाइव Five, you right? Subtraction of zero. Four papayas are on the tree. Yash shook the tree. When we are subtract zero, any number the remainder is that number itself. How many papayas were on the tree? Four. One, two, three, four. हाउ मेनी पपिया डाउन आफ्टर शेकिंग द ट्री जीरो पेड़ को हमने हिलाया तो कितनी पपिया नीचे गिरी जीरो पपिया नाउ हाउ मेनी पपिया ऑन द ट्री कितनी बची है फोर फोर माइनस जीरो ऑल्सो फोर जीरो को हमने एड add करे एडिशन करो या माइनस करो सबस्ट्रेक्शन करो वैल्यू वो ही आने वाली है नंबर वेन वी सबस्टेक्ट जीरो फ्रॉम एनी नंबर द रिमाइंडर इज दैट नंबर इट सेल फोर माइनस जीरो फोर जीरो माइनस फोर इक्वल्स टू ऑल्सो फोर सो गॉट एड एट प्लस जीरो एट प्लस जीरो टू एट जीरो प्लस टेन टेन राइट इलेवन माइनस जीरो इलेवन बाकी क्या आपको सॉल्व करने हैं इसपे आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जो आपको घर पे सॉल्व करना है तो समझे किस प्रकार सॉल्व करना है थैंक यू